Now, Ravi Shankar Prasad is addressing a press conference. He, in fact, is speaking on the controversial remarks made by veteran Congress leader Saifuddin Soz. Let's listen in. शर्मनाक है और गैर जिम्मेदार ना है. This observation of Ghulam Nabi Azad is irresponsible, is shameful and deeply regrettable. क्या मतलब है ये कहने का गुलाम नबी आजाद का? वो क्या संकेत दे रहे हैं? देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते हैं सेना और पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्सेस के जवानों पदाधिकारी. और ये टिप्पणी वो व्यक्ति कर रहे हैं जो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद का नग्न चेहरा देखा है, जिन्होंने सरहद के पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का चेहरा देखा है. और क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही है, तो आज हम एक आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. 2012 में कश्मीर में 72 आतंकवादी मारे गए थे, 2013 में 67, 14 के 26 जून को हमारी सरकार आती है, 110 आतंकवादी 2014 में मारे गए थे, 2015 में 108, 2016 में 150 150, 2017 में 217 217 और मई में अभी तक 75. श्रीमान गुलाम नबी आजाद, यह आपकी सरकार की कहानी और यह हमारी सरकार की कहानी. और आप ये कह रहे हैं कि सेना और पुलिस वहां की आवाम को अधिक मार रही है. आज गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, वहां की सरकार के एलिमेंट्स होंगे. और इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो नहीं सकता कि लश्करे तैयबा का स्टेटमेंट है ये. गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी के बाद लश्करे तैयबा का हम एक कमेंट उनके स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला गजनवी, क्या कहा उन्होंने में, वी हैव बीन ऑफ द सेम ओपिनियन एज द एक्सप्रेशन ऑफ गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स. तो आज जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसको लश्करे तैयबा समर्थन कर रहा है. यह कौन सी राजनीति है कि कांग्रेस पार्टी आज देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो गई है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के आज की लीडरशिप से हम उम्मीद क्या करें, जब उनके अध्यक्ष जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जब उनके अध्यक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली की बात करेंगे, जब उनके बाकी नेता हमारे आर्मी के चीफ को ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसको हम कह नहीं सकते, वो इतने शर्मनाक शब्द थे, तो उस कांग्रेस के बाकी नेताओं से हम क्या उम्मीद करें? ये एक नई कांग्रेस है जो राहुल गांधी की अगुवाई में और सोनिया गांधी के आश्रय में देश को तोड़ने वाली ताकतों को मजबूत कर रही है. इट इज द बीजेपी चार्ज विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कांग्रेस ऑफ टुडे इज लेड बाय राहुल गांधी, ब्लेस्ड बाय सोनिया जी, डिजाइन टू मेक ऑब्जर्वेशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर इन सिंक विद द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रंस. और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं और भाजपा का विरोध करते हैं.
अब सैफुद्दीन सोज का बयान आपने आज देखा होगा कि कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए. उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ के प्रति नया प्रेम दिखाया है. मुझे डॉक्टर संबित पत्रा ने और बाकी प्रवक्ताओं ने बताया कि शायद कांग्रेस ने अपने को सैफुद्दीन सोज के वक्तव्य से डिसोसिएट कर लिया है. लेकिन मात्र डिसोसिएट करने से काम नहीं चलेगा. सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं. वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है. किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है. हां, उनके मुंह से एक सच्चाई निकल गई कि कश्मीर की समस्या 50 से ही है, यानी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन है कश्मीर की समस्या. और कश्मीर की समस्या में सच्चाई आप भी जानते हैं तो सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में डिफरेंसेस होता था जो यूएन डिस्प्यूट में हम लोग चले गए. मित्रों, आज मुझे कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछने हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं आप समझते हैं. अच्छा होगा राहुल गांधी इसका जवाब दें. सुजात बुखारी, एक बहुत बड़े संपादक की हत्या हुई. उस हत्या में मीडिया रिपोर्ट में यह चर्चा आई कि पाकिस्तान के तत्वों का हाथ है. उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. इस स्टेटमेंट से लश्करे तैयबा के स्वर बदल गए कि भारत के फोर्सेस ने उनकी हत्या की है. कश्मीर का एक बहादुर जवान औरंगजेब ईद की छुट्टी में आ रहा था, उसकी निशंस हत्या की गई और आज भाजपा के कार्यालय के केंद्रीय मंच से मैं उसकी आत्मा को सलाम करता हूं और उसके फादर के जज्बे को अभिनंदन करता हूं जिसने कहा मेरे बाकी बेटे को मैं सेना में भेजूंगा. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वहां पर आर्मी के चीफ गए और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन गई तो ये ड्रामा हो रहा है. कश्मीर के एक बहादुर जवान और उसके फादर के जज्बे को सलाम करना क्या ड्रामा है? क्या कांग्रेस पार्टी अब इतना गिर गई है? इससे बड़ी कोई बेशर्मी की प्रतिक्रिया हो सकती है क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब दें कि इस बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पर क्या कहना है कि हमारे सेना के अध्यक्ष अगर उसके जज्बे को सलाम करने गए, उसके घर गए और रक्षा मंत्री गई तो क्या ड्रामा है? और अगर ये ड्रामा है राहुल गांधी, तो देश पूरा एक साथ 130 करोड़ खड़ा होकर कहेगा कि मरहूम औरंगजेब के पिता के जज्बे को सलाम. और आज मैं भी कह रहा हूं कार्यालय से, ये क्या हो रहा है? इस तरह से आप पूरे सेना के अंदर के साहस को तोड़ेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मित्रों, मित्वर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट, आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है. लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वरों का समर्थन आजकल पाकिस्तान से तुरंत हो जाता है और मैंने एलईटी का बताया, जल्दी ही पाकिस्तान से और भी वीडियो आएंगे. थोड़ा पाकिस्तान टीवी को क्लोज दिया, आप लोग वॉच करिए. हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसे कभी सहेगा नहीं. द कंट्री इज नेवर गोइंग टू टॉलरेट इट. आई वॉर्न द कांग्रेस लीडर्स कि अपने विरोध के कारण जिस रास्ते पर वो चले हैं, तो अगर उन्हें 44 लोकसभा से 14 पर आना है तो उनको मुबारक, लेकिन इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. मित्रों, आजकल ह्यूमन राइट्स की बात बहुत हो रही है क्योंकि लश्करे तैयबा ने ह्यूमन राइट्स की बात भी की है और यूएन रिपोर्ट का जिक्र है. और इन तत्वों को और यूएन की रिपोर्ट को पाकिस्तान गुलाम नबी आजाद के स्टेटमेंट पर और आगे बढ़ाएगा कि
कि सेना आम आवाम को अधिक मार रही है। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि औरंगजेब जो मारा गया बहादुर हमारा जवान, उसका ह्यूमन राइट है कि नहीं? सुजात बुखारी जो संपादक मारे गए, उनका उनके परिवार का ह्यूमन राइट है या नहीं? जो आतंकवादी इतने निशंस हत्याएं करते हैं आम आवाम की कश्मीर में, उनका ह्यूमन राइट है कि नहीं? डू द ऑर्डिनरी पीपल किल्ड विथ इंप्यूनिटी बाय द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रंस इंजॉय ह्यूमन राइट्स और नॉट? ये बड़े सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो बार बार कभी स्टेटमेंट दे देती है, क्या नाम है इनका बताओ तो भाई, एक तारिक हमिद कारा है, ये कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। जरा अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा, जरा तारिक हमिद कारा के स्टेटमेंट को निकाल लीजिए। इनकी भाषा वही है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। और आजकल ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस में जगह मिल रही है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का स्वरूप, कांग्रेस की सोच और देश की सुरक्षा के प्रति कांग्रेस का कमिटमेंट, ये सब में जबरदस्त बदलाव हुआ है। नरेंद्र मोदी विरोध, भाजपा विरोध के लिए हम कहीं चले आ सकते हैं। और यही भी कारण है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस पर जो आरोप लगाते हैं, तो आजकल उनके छोट भैया नेता दिग्विजय सिंह एंड कंपनी क्या क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं। तो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो या मोदी जी का विरोध हो, वोट के लिए राहुल गांधी किसी सीमा तक भी गैर जिम्मेदाराना आचरण, गैर जिम्मेदारा सियासत और गैर जिम्मेदार टिप्पणियां, इन सब का समर्थन करते हैं। आज ये बहुत ही गंभीर विषय था तो मुझे लगा कि आज आपके सामने रखा जाए। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर क्या कहना है उनका, जवाब दे वो। रविशंकर प्रसाद कमिंग डाउन हेवली ऑन गुलाम नबी आजाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा, हु मेड अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स अबाउट आर्मी ऑपरेशंस किलिंग मोर सिविलियंस देन मिलिटेंट्स, एंड नाउ द बीजेपी सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.